अभी हम झारखंड विधानसभा परिसर के अंदर हैं और मेरे पीछे आपको लोकतंत्र का महामंदिर दिखाई दे रहा होगा। ये वही लोकतंत्र का मंदिर है जहां से अगले 5 सालों के लिए झारखंड के 3.5 करोड़ जनमानस के लिए तमाम चीजें तैयार होगी, उनका भविष्य तैयार होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि राज्य में इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिली, 56 सीटों के साथ जो है इंडिया गठबंधन ने इतिहास रचा। आपको पता होगा कि 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में और खुद 4थे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ले चुके हैं और 5 दिसंबर को जो है मंत्रिमंडल का भी गठन हो चुका है और आज जो 11 सिपाही हैं हेमंत सोरेन के, उनका जो है विभाग का बंटवारा भी हो गया है। तो हम आपको बता दें कि जो है कौन से मंत्री को कौन कौन सा विभाग मिला है। तो सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में बात करें तो उनके पास 5 विभाग है, काफी इंपॉर्टेंट विभाग है, तो उन विभागों के बारे में बता देते हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, दूसरा विभाग है गृह कारा विभाग, गृह कारा का मतलब जो जेल वेल होता है वो, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। पथ निर्माण विभाग, चौथा है भवन निर्माण विभाग, 5वां है मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य रहित तथा वैसे सारे विभाग जो अन्य मंत्रियों के पास नहीं है। दूसरे नंबर पर है राधा कृष्ण किशोर जी, जो कि अनुसूचित जाति सीट से चुनाव जीत कराए हुए हैं, छतरपुर विधानसभा से जो है कांग्रेस कोटे से चुनाव जीते हैं, उनको जो है इस बार मंत्री बनाया गया और पहली बार वो मंत्री बने हैं। उनको जो है 2019 से 24 में जो रामेश्वर उराव थे कांग्रेस कोटे से जो मंत्री थे, वही वाला विभाग उनको दे दिया गया, जैसे कि वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग, योजना विकास विभाग, संसदीय कार्य विभाग। तीसरे नंबर पर है चाईबासा से जो है एसटी कोटे से दीपक बिरुवा जी, जो कि जेएमएम के टिकट से चुनाव जीते हैं। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग और परिवहन विभाग उनको मिला है। चौथे नंबर पर जो है दक्षिणी छोटा नागपुर से जो है गुमला जिला के बिशुनपुर विधानसभा से चुनाव जीत कराए थे चमरा लिंडा जी, उनको मंत्री बनाया गया है। उनके पास अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मिला है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को छोड़कर। चौथे नंबर पर आरजेडी कोटे से जो है संजय प्रसाद यादव जी को मंत्री बनाया गया है, उनको भी वही विभाग दिया गया है जो पिछली बार आरजेडी को दिया गया था, मतलब 2019 से 24 में सत्यनारायण भोक्ता जी जो है श्रम मंत्री थे और उद्योग विभाग के मंत्री थे, फिर से जो है आरजेडी कोटे को वही विभाग मिला है। चौंकाने वाला बात यह कि रामदास सोरेन घाटशिला से चुनाव जीत कराए हैं, उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो है बदलाव हुआ है। रामदास सोरेन को शिक्षा मंत्री बनाया गया, ऐसी चर्चाएं थी कि शिक्षा मंत्री जो है जयराम महतो को बनाया जाएगा, हालांकि ये सिर्फ चर्चाएं थी। ये वैसा ही होता है कि हम सुबह सोते हैं तो सपना देखते हैं, तो वैसा ही उनके समर्थक सपना देख रहे थे। हाँ, शिल्पी नेहा तिर्की को अगर शिक्षा मंत्री बना दिया जाता तो चलता, क्योंकि वो काफी वेल एजुकेटेड महिला है, पढ़ी लिखी महिला है। तो रामदास सोरेन घाटशिला विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आते हैं, जो कि कोल्हान प्रमंडल में पड़ता है। उनको स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग मिला है, साथ ही साथ निबंधन विभाग मिला है। 7वें नंबर पर है इरफान अंसारी जी। इरफान अंसारी जी का नाम से आप तमाम लोग वाकिफ होंगे, पिछली बार 6 महीना के लिए जब आलमगीर आलम साहब होटवार जेल चले गए थे तो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद या जेल से आने के बाद भी, तो इरफान अंसारी जी को ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया था, लेकिन इस बार बड़ा उलटफेर हो गया है, इरफान अंसारी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, मतलब कि हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है। साथ ही साथ आपदा प्रबंध विभाग भी इरफान अंसारी जी को दे दिया गया है, तो ये बहुत बड़ा जो है बदलाव हुआ है मंत्रिमंडल के विभागों में। 4थे नंबर पर है हफीजुल हसन, पिछले बार भी मंत्री थे, मधुपुर से चुनाव जीत कर आए हैं, जो कि संथाल परगना में पड़ता है। उनको जल संसाधन विभाग और साथ ही साथ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दिया गया है, क्योंकि वो खुद अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। 9वें नंबर पर है कांग्रेस कोटे से महंगामा से विधायक दीपिका पांडे सिंह, जो कि मंत्री बनी है दूसरी बार। उनको जो है ग्रामीण विकास का मंत्री बनाया गया है, ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री बनाया गया, साथ ही साथ पंचायती राज विभाग का भी उनको मंत्री बनाया गया है। और सबसे चौंकाने वाला बात यह है कि योगेंद्र प्रसाद महतो, जो कि गोमिया से लंबोदर महतो को चुनाव कराए हैं, उनको जो है मंत्री बनाया गया है और उनको जो है 2 विभाग दिया गया है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, दूसरा विभाग है उत्पाद एवं मद निषेध विभाग, मतलब दारू वाला विभाग, 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, वही वाला विभाग उनको दिया गया है। सुदीप कुमार सोनू गिरिडीह से चुनाव जीत कर आए हैं, ओबीसी कैटेगरी में जो है उनको
मंत्रिमंडल में जगह मिला है। इनको नगर विकास एवं आवास विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग, मतलब खेल मंत्री, कला मंत्री कह सकते हैं सुदीप कुमार सोनी जी को। 12वें नंबर पर है मांडर से एसटी कोटा से चुनाव जीती शिल्पी नेहा तिर्की, उनको जो है कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मिला है, मतलब शिल्पी नेहा तिर्की कृषि मंत्री हैं। तो मैं चार पांच नाम फिर से ले देता हूं कि कांग्रेस कोटे से जो है चार लोगों को मंत्री बनाया गया है, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे, शिल्पी नेहा तिर्की और राधा कृष्ण किशोर। तो राधा कृष्ण किशोर जी को वित्त मंत्री मिला है, इरफान अंसारी जी को हेल्थ मिनिस्टर मिला है, दीपिका पांडे को जो है ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है और शिल्पी नेहा तिर्की को कृषि मंत्री बनाया गया। सबसे चौंकाने वाला यह है कि रामदास सोरेन को जो है शिक्षा मंत्री बनाया गया। आपका इस पर क्या राय है? तो आपको बता दें कि 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक जो है स्पेशल सत्र बुलाया गया है, तमाम विधायक आएंगे, इस लोकतंत्र के मंदिर में शपथ लेंगे और 3.5 करोड़ झारखंड के आम जनमानस का भविष्य तय करेंगे। अब भविष्य कैसे तय करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। अब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने 11 सिपाहियों के साथ कैसे राज्य का विकास करते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी जो मंत्री बनाए गए हैं और मंत्री को जो जो विभाग मिला है उससे आप कितना खुश हैं, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिलना चाहिए, इस पर अपनी राय जरूर रख सकते हैं। बाकी सदन में तमाम विधायकों की आवाज गूंजने वाली है, विपक्ष कैसा जो है, विपक्ष का तेवर कैसा होता है ये भी देखने को मिलेगा 9 से 12 दिसंबर को। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का जोहार, धन्यवाद।